नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार और मैं आपका अपने चैनल लिखे फन एंड नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गूगल प्ले प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, आप में से सभी तो स्मार्टफोन का यूज़ करते होंगे। अगर स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं तो उसमें तो ऐप्स ही ज़रूर होगा और ऐप्स को आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करते होंगे। लेकिन दोस्तों, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड तो करते हैं ऐप्स को, लेकिन आप बिना जाने समझे कोई भी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं कि उसका हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में क्या, उसके बारे में सही जानकारी आपके पास नहीं होती है, फिर भी आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे ऐप्स भी होते हैं जो कि काफ़ी आपको और आपके डिवाइस को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आपका डाटा चुरा करके, आपका डाटा लॉस करके, आपका डाटा का मिसयूज़ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को चलिए शुरू कर लेते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गूगल प्ले प्रोटेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, गूगल प्ले प्रोटेक्ट जो है कि एक प्ले स्टोर का ही फंक्शन है, एक फीचर्स है जो कि आपको और आपके मोबाइल को काफ़ी हद तक सेफ रख सकता है दोस्तों। गूगल प्ले प्रोटेक्ट आपके डिवाइस की सुरक्षा और बचाव करने में सहायता करता है दोस्तों। गूगल प्ले प्रोटेक्ट प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले ये जाँच करता है कि वह सुरक्षित है या नहीं। ये आपके डिवाइस में दूसरे तरीकों से संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने वाले एप्लीकेशन की जांच करता है। नुकसान पहुंचाने वाले ये एप्लीकेशन कभी कभी मेलवेयर भी कहलाते हैं। नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी एप्लीकेशन के मिलने पर यह आपको चेतावनी देता है और आपके डिवाइस के नुकसान पहुंचाने वाले ऐप्स को पहचान कर उन्हें हटाता है दोस्तों। महत्वपूर्ण जानकारी छिपा कर या उससे गलत तरीके से पेश करके हमारी अनचाहे सॉफ्टवेयर नीति का उल्लंघन करके करने वाले एप्लीकेशन को मिलने पर आपको उनके बारे में जानकारी देता है, चेतावनी देता है दोस्तों। तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट कैसे काम करता है? गूगल प्ले प्रोटेक्ट आपके डिवाइस की सुरक्षा करता है। ये समय समय पर आपका डिवाइस को स्कैन भी करता रहता है दोस्तों। अगर इसे नुकसान पहुँचा सकने वाला कोई एप्लीकेशन मिलता है तो ये काम कर सकता है, आपको चेतावनी दे सकता है। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन मिलता है जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है तो आपको एक सूचना मिलेगी। एप्लीकेशन को हटाने के लिए सूचना पर अनइंस्टॉल पर टैप करें और गूगल प्ले प्रोटेक्ट एप्लीकेशन को तब तक के लिए बंद भी रखा जा सकता है जब तक कि आप इसे अनइंस्टॉल नहीं कर देते। एप्लीकेशन को अपने आप हटा जा सकता है। कुछ मामलों में अगर नुकसान पहुंचाने वाली एप्लीकेशन का पता चला है तो आपको यह सूचना मिल सकती है कि एप्लीकेशन को हटाया गया है, ठीक है। तो आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी यही सलाह रहेगी कि आप इसे हमेशा ऑन रखें, क्योंकि ये आपके और आपके डिवाइस की काफ़ी सुरक्षा करता है और आपकी जानकारियों को मिसयूज होने से बचाता है। आप इसे कैसे ऑन कर सकते हैं? आप अपने डिवाइस पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट की स्थिति पता कर सकते हैं। आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, उसमें आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिखेगा जिसे हम मेन्यू कहते हैं। मेन्यू पर प्ले प्रोटेक्ट पर टैप करें और इसे ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। गूगल प्ले प्रोटेक्ट को चालू बंद करना ये आपके हाथ में है, तो आप इसे हमेशा हमारा यही हो रहेगा कि आप इसे हमेशा ऑन रखें ताकि आपकी डिवाइस की सुरक्षा हो सके, ठीक है। अगर आप गूगल प्ले प्रोटेक्ट स्टोर से बाहर के अनजान स्रोतों से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चुनते हैं तो गूगल प्ले प्रोटेक्ट गूगल को अनजान एप्लीकेशन भेज सकता है। ये जानकारी नुकसान पहुंचाने वाले एप्लीकेशन से सभी की बेहतर सुरक्षा करने में गूगल की सहायता करता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो सवाल है, जो सुझाव है आप देना चाहते हैं या फिर आप किसी पीछे में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे दोस्तों।
तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।